नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। लाइपोसक्शन मंस ये प्रोसीजर होता है जिसमें कि बॉडी का जो भी फैट रहता है स्किन के नीचे, उसको हम लोग सक्शन करके निकालते हैं। आमतौर पर अगर एब्डोमेन या टमी की बात करें तो जो फैट रहता है वो दो जगह रहता है, एक स्किन और मसल्स के बीच में, पेट की स्किन और पेट की मसल्स के बीच में, और दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल फैट या जो मसल्स के डीप होता है, या जिसे विसरल फैट भी कहते हैं। सो, जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर होता है उसका पर्पस होता है सब क्यूटेनियस फैट को निकालना, स्किन और मसल्स के बीच का जो फैट रहता है उसको निकालना। आमतौर पर सब क्यूटेनियस फैट का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है इंट्रा एब्डोमिनल फैट की तुलना में, मगर ये अलग अलग लोगों में अलग अलग रहता है। यदि किसी व्यक्ति का सब क्यूटेनियस फैट या स्किन सब क्यूटेनियस फैट ज़्यादा है तो उसमें लाइपोसक्शन का बेहतर रिजल्ट रहता है। सो, लाइपोसक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्किन में छोटा सा होल करते हैं जिसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, वो फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। बाहर से कोई कट का निशान, मेजर या स्कार मार्क वगैरह होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। इस प्रोसीजर में हम लोग जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ चर्बी निकाल रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो साइड के बल्जेस हैं या लोअर एब्डोमेन में बड़ा सा फैट का हैंगिंग पार्ट है वो पूरा निकल जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग प्रेशर गारमेंट पहनने का बोलते हैं, जो कि अगले कुछ हफ्तों तक कपड़ों के अंदर पहनना रहता है। उससे स्किन जो है श्रिंक करती है, स्किन जो है अंडरलाइंग मसल से चिपक जाती है और एक प्रॉपर शेप हमें मिल जाता है। अब किस व्यक्ति में लाइपोसक्शन का फ़ायदा ज़्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करता है कि उसका कितना अधिक फैट सबक्यूटेनियस है या कितना कम विसरल फैट है। जितना ज़्यादा सबक्यूटेनियस फैट होगा उतना अधिक फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हम लोग कोई स्पेशल कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई एक्सरे वगैरह करने का ज़रूरत नहीं रहता है। सिंपल हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। उसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप टाइट करो अपना एब्डोमेन, जितना अंदर कर सकते हैं करें। जब वो टाइट करने का बोलते हैं तो उसमें जो इनकी इंट्रा एब्डोमिनल मसल्स रहती हैं वो पूरा टाइट हो जाता है और उसके बाद जो हमें फील होता है स्किन हाथ से पकड़ने पर, वो सब कुछ सबक्यूटेनियस फैट रहता है और वो ही सबसे अधिक अमाउंट में निकल जाता है इस प्रोसीजर में। तो जो सबक्यूटेनियस फैट है उसको हम लोग सर्जिकली लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। जो मसल्स कई लोगों की बहुत कमज़ोर रहती है, इसकी वजह से पेट ज़्यादा बड़ा दिखता है, बल्ज ज़्यादा दिखता है, तो वो मसल्स को टाइट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज रहती है एब्डोमिनल एक्सरसाइज, उससे उनको टाइट कर सकते हैं। और जो इंट्रा एब्डोमिनल या विसरल फैट रहता है उसको कम करने के लिए डाइटिंग या एक्सरसाइज करने से कम किया जा सकता है। प्राइमरली कोई भी व्यक्ति यदि उसका फैट ज़्यादा है या पेट बड़ा है तो उसको सबसे पहले डाइटिंग और एक्सरसाइज करके कम करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कई लोगों में कुछ एरिया ऐसे रहते हैं जहाँ का फैट किसी भी तरीके से नहीं जाता, वो सारी मेहनत कर चुके रहते हैं तो भी नहीं जाता है, तो उनके लिए लाइपोसक्शन एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। लाइपोसक्शन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ फैट हमें रिमूव करना है, मतलब फैट ज़्यादा है या कम है। जो सेकंड फैक्टर डिटरमिनिंग फैक्टर रहता है कॉस्ट का, वो ये रहता है कि नंबर ऑफ एरियाज हमें साइमल्टेनियसली करना है। लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है उसमें आपको 2 या 3 घंटे का प्रोसीजर रहता है। या तो हम लोग सेम डे डिस्चार्ज करते हैं या अगले दिन सुबह डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ 4 से 5 दिन तक मेडिसिन खाना रहता है। आप कई लोग पूछते हैं इसमें रिजल्ट कब दिखेगा, तो इसमें जो रिजल्ट का दिखने का है, जैसे फुलनेस जो लगती है हमें हाथ से पकड़ने पर, पेट में लगता है कि चर्बी भरी हुई है या पिंच थिकनेस जिसे बोलते हैं, वो आप अगले दिन जैसे सर्जरी के बाद ड्रेसिंग खोलेंगे तो आपको पूरा वो खाली दिखेगा, आपको जो बल्जेस हैं तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसीजर के बाद कुछ स्वेलिंग आती है पूरे एब्डोमेन में जहाँ भी हम प्रोसीजर करते हैं, तो इस वजह से पूरा फाइनल रिजल्ट आने में कुछ हफ्ते तक लग जाते हैं। जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। वो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम लोग प्रेशर गारमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे ग्रेजुअली स्वेलिंग कम होती है।